हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं आप सभी की मनपसंद भेलपूरी। जैसा कि आप सबको पसंद होगी चटपटी सी भेलपूरी, इसे हम बनाएंगे। जिसके लिए सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे पैन में, और हम ऑयल में थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। अब हम इसमें मुरमुरे ऐड करेंगे। पफ राइस भी इसे हम कहते हैं, और इसको हम अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। बस इसे आप थोड़ा कुरकुरा होने तक हल्का सा रोस्ट कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रोस्ट हो गई है। चलिए तो हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें रोस्टेड बादाम डाल लेंगे। कटे हुए प्याज, हरी मिर्च ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर जितना आपको तीखा पसंद हो, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, कोई भी सेब या मिक्सचर का आप यूज़ कर सकते हैं, और ये धनिया की पत्ती टेस्ट देने के लिए। देख सकते हैं आप कितना कलरफुल लग रहा है ये। हमने यहाँ पे इमली की चटनी, हमने लेमन भी ना नींबू भी ऐड कर लिया, और अब इसमें हम पफ राइस ऐड कर रहे हैं, और अब इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे तरीके से। वाह फ्रेंड्स, कितना कलरफुल लग रहा है। जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं इसमें, आप सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स तैयार हो गई है हमारी भेल। ऐसे ही और रेसिपीज़ देखने के लिए आप लाइक कमेंट और शेयर करते रहें हमारी वीडियो, हमें सपोर्ट करते रहें।